Hey guys, welcome back to my YouTube channel Chess to Life and I'm Sagar. Currently it's 11:40 AM in the morning. तो दिल्ली से हम लोग निकले थे 8:15 बजे और अभी 11:40 हो रहा है. So it's been around more than 15 hours of journey. So ये है हमारा आज का stay बिरबिलिंग में. So guys, check this out. It's really beautiful place. तो ये रही मेरी room. Hi Saurabh. Yeah, hi. How's the journey? Actually it's a tempo traveler, so bit, you know, for a long journey it's not a convenient, not a comfortable, but vehicle was in really good condition, so thoda sa manage ho gaya. Group bhi hamare sab saath mein rehte the dost, to pata nahi chalta. So dekh sakte hain aap, room to kafi bada hai. So ye wala room hum teen log hai, Saurabh, me and Abhishek is going to share. So ek twin bed aur ek single bed hai. TV hai, geyser hai. So Abhishek abhi nahane gaya. He is Nitin from Trek Hivers. Basically ये ट्रिप पे हम लोग हिमाचल के सारे नोन प्लेसेस कवर कर रहे हैं. We'll start from Bir, then we'll go to McLeodganj. After McLeodganj we'll go to Kasol. Kasol से मनाली, मनाली से दो दिन जिबी. जिबी थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुआ है, इसलिए वी प्लान टू स्टे इन जिबी फॉर द न्यू ईयर्स नाइट. दिस इज़ फर्स्ट डे. अभी हम लोग बीर में हमारी प्रॉपर्टी पे है. एज यू कैन सी वहाँ पे पैराग्लाइडिंग्स हो रही है. तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें पैराग्लाइडिंग करना है. After that, we'll rest for the day. I hope सागर को वही वो कोरा वाला वीडियो मिल जाए ऊपर से, एंड वो भी ये वीडियो में. अच्छा, वो वाला वीडियो ये भी हुआ था? नहीं, it happened in Dobi. Dobi is near Kullu. और ये वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है. आई थिंक इंडिया का फर्स्ट है, राइट? इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट है और वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट है, इसलिए ज्यादा फेमस है. वी ऑल आर एक्साइटेड अबाउट पैराग्लाइडिंग एंड वी विश ट्रिक हाइवर्स टू यू नो अरेंज दिस काइंड ऑफ ट्रिक एवरी टाइम, बिकॉज बजट में बहुत ही अच्छी ट्रिप प्लान करके देते हैं, मुझे इंस्टाग्राम से पता चला था. स्टे ट्यून्ड, बाय. सवेरे तेरी यादें आती है, आगे मुझको मेरे टूट पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम. Guys, this is the Tibetan prayer flags, and you can see those flags surrounded these all over those trees. And आपने जैसे देखा कि वो जो बंदा है वो कितना ब्यूटीफुली उसने वो गाना गाया. I just really like it, so मैं गाना भी अपने ब्लॉग में पोस्ट करने वाला हूँ. Okay, so next plan is we are going to one cafe where we'll have a breakfast and tea, then straight to paragliding. Follow. We are currently in Bir's market. Bir is also famous for very good cafes. So यहाँ पे आपको cute cute छोटे छोटे cafes मिल जाएंगे. Hello guys, so ये क्षितिजा. तो अभी हम लोग मोमो खाने आए थे, जो वहाँ पे आई थिंक वेजी मोमोज मिल रहे थे. सो वी वॉन्टेड टू टेस्ट चिकन मोमोज. तो यहाँ पे ये शॉप है जहाँ पे हमें चिकन मोमोज मिल जाएंगे. सो विल टेस्ट एंड विल टेल यू हाउ इट इज. So we are waiting for actually our paragliding, you know, वो लोग हमें पिक करने वाले हैं. फिर विल गो टू एट द टॉप जहाँ से पैराग्लाइडिंग चालू हो जाएगी. और फिर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि पैराग्लाइडर, और ये सामने है लैंडिंग साइट. तो अराउंड 20 मिनट्स, राइट? या आर यू एक्साइटेड? यप, वेरी मच. इसमें थोड़ा ही चिकन है, बट इट रियली टेस्ट वेल. या इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके, पैराग्लाइडिंग इज इन डेंजर नाउ. आज शायद नहीं हो पाएगा पैराग्लाइडिंग, सो विल कम अगेन इन द मॉर्निंग एट 7 AM. हाय, हाउ इज इट? कैसा था? जबरदस्त. हमने पायलट को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दिया, मालूम क्या, टी शर्ट में. उसने पहली बार किसी बंदे को टी शर्ट में एक्सपो किया. ये ट्रिप पे आया, तूने सोचा है क्या मैं टी शर्ट पे ही रहूंगा? हम दुनिया से अलग करेंगे. हमने माउंटेन ड्यू पिया था. अरे ये तो मतलब कल रात को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसे सिर्फ टी शर्ट में था लेके आ गया फिर वापस.
फिर ट्रैक पैंट पे और टी शर्ट पे भाई बहुत बंदा गटसी है लेकिन मानना पड़ेगा। चलो पैराग्लाइडिंग तो आज नहीं हो रही सो लंच करते अभी। नाइस कैफे। क्या खाना है? सो गाइस ये कैफे का नाम है हिमालय पिज़्ज़ा। आई एम श्योर कि पिज़्ज़ा के लिए फेमस होगा बट और भी क्या क्या फूड फेमस है पूछ लेते हैं और फिर ऑर्डर करेंगे। फूड वॉज रियली गुड इन हिमालयन पिज़्ज़ा कैफे। अभी हम लोग का वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है आगे चल के, तो जाते जाते मार्केट भी एक्सप्लोर करना है और वो मॉनेस्ट्री भी एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी फेमस तिबेटियन मॉनेस्ट्री के यहाँ पे। सो मॉनेस्ट्री मतलब जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे ही तिबेटियन पीपल का ये गॉड प्लेस है। It's really beautiful. Check this out. Nice, really nice. It's really beautiful. How lucky I am to see this. लाइन से जा रहे हैं। दे हैव सो डिसिप्लिन। गौतम बुद्ध की स्टैचू है तो ये चारों दिशा में है, तीनों दिशा में, यहाँ पे फिर राइट में लेफ्ट में और पीछे यहाँ पे। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। और भीड़ में अभी बजे है 7:20 AM सुबह के। ओह माय गॉड हाउ आर यू। वेदर इज क्लियर नाउ एंड वी आर गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो सारा वीडियो मैं आगे कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय। Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. So guys, finally we are here at the takeoff site of paragliding. और जो रास्ता था बीच में और रास्ते में इतनी बर्फ गिरी थी, लाइक रियली रियली ऑसम एक्सपीरियंस, हमने बहुत एंजॉय किया। वी आर वेरी लकी क्योंकि ये रात को ही बर्फ हुई है और ये फ्रेश स्नोफॉल हुई है। अभी देखते हैं जैसे हमारे पायलट्स जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे हमें उस हिसाब से हम लोग रेडी हो जाएंगे एंड विल हैव पैराग्लाइडिंग। तब तक थोड़ा एंजॉय करते हैं इधर उधर, थोड़ा वीडियोज फोटोज निकालते हैं, अपनी कोशिश करने की होगा। इतनी स्नो मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखी है, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। और देखो ना बर्फ कितनी फ्रेश है। सो ये है पायलट, आपका नाम क्या है? अभिलाष। अभिलाष तो आपका कितना एक्सपीरियंस है पायलट? मेरा पायलट 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। और ये बता रहे कि ये स्नोफॉल में फ्लाइंग करना बहुत लकी होते हैं लोग जिनके पास स्नोफॉल जब होती है और इतनी स्नो में फ्लाइंग करने के लिए मिलता है। एवरेस्ट के बेस कैंप पे है अभी। हम लोग टॉप पे है भाई, टॉप पे है हम लोग, टॉप पे है, बीर के टॉप पे एक्चुअली। अभिषेक इज गोइंग, चलते रहो चलते रहो। ओके ओके भागो, थोड़ा सा भागो और भागो। ओके ओह इट्स माय टर्न नाउ। पैराग्लाइडिंग आपको भागते रहना है जब तक वो बोलेंगे बैठना नहीं है।
टू थ्री फोर रन रन कर भाई रन कर रन कर भाई रन कर रन कर पीछे पीछे आधा और पीछे आधा भाई बस ठीक है ओह माय गॉड इट्स अ ओह माय गॉड मम्मी What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. As you brought me the sun. डर के आए गए जीते हैं मुझे भी डर लग रहा था बट इसीलिए तो आए हम लोग यहाँ पे तो गाइस फाइनली पैराग्लाइडिंग डन और इतना मजा आया अभिलाष भाई ने जो कि मेरे पायलट थे उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया सब चीज एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस कैसा था बढ़िया भाई मजा आया ना मजा अरे मेरा होता है विंड का ना डायरेक्शन चेंज हो गया तो मुझे दूसरे फ्लाइंग साइड पे जाना पड़ा ये इसका इसके बारे में लेकिन काफी सही था बहुत मजा आया तो दोस्तों आपको जरूर करना चाहिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो फिर आते हो ना तो पैराग्लाइडिंग जरूर एक्सपीरियंस करना सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ बिरबिलिंग बिरबिलिंग में काफ़ी मजा आया बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वी एक्सप्लोर कैफेज देन स्ट्रीट शॉपिंग कल मैंने तिबेटियन मोनेस्ट्री वहाँ पे एक्सप्लोर की थी उसके बाद पैराग्लाइडिंग आज जो ऑसम एक्सपीरियंस था सो गाइज आई होप यू गाइज आई हैव लाइक दिस वीडियो और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले बीर से और जाने वाले बैकलोडगंज धर्मशाला सो स्टे ट्यून फॉर वीडियोज बिकॉज दिस इज अ सीरीज ऑफ वीडियोज ऑफ हिमाचल ऑन माई यूट्यूब चैनल सो आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो तो आने वाले वीडियोज़ भी है ना वो भी आप देखना जरूर और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो अभी मिलते हैं मैकलोडगंज में टिल देन स्टे ट्यून एंड चीयर्स टू लाइफ